नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 21 अक्टूबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दक्षिण विधानसभा सीट के कांग्रेस के दावेदार राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंक दिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के नेक ग्रेड घटने के विरोध में एनएसयूआई के प्रदर्शन में वशिष्ठ शामिल हुए और आरोपों की बौछार लगा दी। इस दौरान सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। हाल ही में नैक ने विक्रम विश्वविद्यालय की ग्रेड ए से घटाकर B++ की है। ग्रेड घटने का सीधा असर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले अनुदान और नए कोर्स प्रारंभ करने पर पड़ेगा। विश्वविद्यालय की साख गिरने से बाहर के स्टूडेंट के दाखिले कम होंगे। इन सब स्थितियों को लेकर NSUI के बैनर तले प्रदर्शन करने छात्र नेता पहुंचे थे। इनका नेतृत्व राजेंद्र वशिष्ठ ने किया। आइए राजेंद्र वशिष्ठ से जानते हैं प्रदर्शन के बारे में। B+ ग्रेड आने के कारण करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की राशि जो अनुदान के रूप में हमें प्रतिवर्ष शिक्षा के उत्थान के लिए मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। उच्च क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो जो अनुदान और जो जो नए नए कोर्सेस हमें मिलना चाहिए वो अब आने समय बंद हो जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह, आखिर हुआ क्यों? 245 से ज़्यादा कोर्सेस प्रारंभ किए गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, आज हालत ये है कि 245 कोर्सेज जो नए चालू किए हैं उसमें से 60-70% कोर्सेज अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुए। जो कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं उसमें टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी है। जो शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की बात की जाती थी अब वो गुणवत्ता विक्रम विश्वविद्यालय की बहुत नीचे चली गई है। और यही कारण है कि NSUI के माध्यम से छात्रों के हित में ये बात हमारे NSUI के पदाधिकारियों ने उठाई है। मैं NSUI के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि छात्रों के हित में और विक्रम विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की गतिविधियों को निरंतर आगे जारी रखेंगे और शिक्षा के हमारे उज्जैन के जो छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नैक ग्रेडिंग घटने पर प्रदर्शन करने आए NSUI के छात्रों ने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष चौकसे की तरफ से उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग भी की गई। इस संबंध में NSUI के प्रदेश सचिव हिमांशु शर्मा ने बताया। जिस प्रकार से पहले देखा है अपन ने कि शिक्षा के लिए जो नेक की टीम आई उन्होंने जो ग्रेडिंग दी वो एक तरीके से डिमोशन है। छात्रों के हित में एक बड़ा नुकसान हुआ है विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय उज्जैन की गरिमा है जिस पे जो आ चाहिए वो आने नहीं देंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी के निर्देशानुसार कल मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा गया है तो मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज आपने यहाँ पर क्या प्रदर्शन किया? आज सद्बुद्धि यज्ञ हमारे द्वारा NSUI के पदाधिकारी द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ हुआ है और भगवान से हम यही कामना करते हैं कि मंत्री जी को सद्बुद्धि दे और अपना इस्तीफा जनता को दे। सद्बुद्धि यज्ञ से पहले छात्रों ने मोर्चा निकाला और विक्रम परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विक्रम के अफसरों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। फिर अपने साथ लाए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुतले को आग लगा दी गई। इस दौरान मोहन यादव मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, भ्रष्ट कुल सचिव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मोहन यादव मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क बढ़ाने, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करने पर भारी जुर्माना लगाने और कार्तिक मेले की दुकानों की राशि 3 गुना ज्यादा बढ़ाने पर शुक्रवार को निगम सम्मेलन में जमकर विरोध हो गया। नाराज कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बहुमत होने से भाजपा शासित परिषद ने सारे प्रस्ताव पारित कर दिए।
नगर निगम के सम्मेलन में लाए गए प्रस्ताव में वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क बढ़ाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना राशि 200 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 5000, दूसरी बार मिलने पर 10000 और तीसरी बार मिलने पर नगर निगम की दुकान में कारोबार करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव लाया गया था। इस पर ही विरोध हो गया। ये विरोध चल ही रहा था कि बेगम बाग रोड से लेकर यादव धर्मशाला तक के मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रख दिया गया। इस पर काफी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष रवि राय और सीनियर पार्षद माया त्रिवेदी ने मुआवजा प्रक्रिया में दोहरे रवैये को लेकर विरोध जताया। माया राजेश त्रिवेदी का कहना था कि जब कार्तिक चौक में सड़क चौड़ीकरण करते समय मुआवजा नहीं दिया गया तो अब मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर माया राजेश त्रिवेदी को अपनी बात नहीं रखने दी गई। इससे कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और बाद में सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया, हमारी पार्षद साथी माया त्रिवेदी जी को दो बार इस काम से बोलने के लिए रोका गया। पहली बार में सदन की बैठक स्थगित करी 15 मिनट के लिए और दूसरी बार जब उनको पुनः रोका गया तो निश्चित रूप से हम सब पार्षदों ने आसन जी का घेराव भी किया। हमारे पार्षद साथी सब नीचे भी बैठे और हमने अध्यक्ष से आग्रह किया कि जब हम पहले हाथ उठा के बोलने का आपसे आग्रह कर चुके हैं, आपने देख लिया है, उसके बाद भी हमको आपने चुप करा दिया, हमको बोलने का मौका नहीं दिया, तो निश्चित रूप से ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसी स्थितियाँ पैदा की है। और मेरा ऐसा कहना है कि अगर इस प्रकार विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाएगा तो आखिर क्या किया जाए, सदन की आसन जी का घेराव किया जाए और फिर हमारे द्वारा सदन का बहिगमन किया गया। और ये लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं। अगर ये सत्ता पक्ष के लोग चाहते कि हम लोग जनता पे लगाए जा रहे टैक्सों के खिलाफ ना बोले तो सड़कों पे तो बोल सकते हैं, सड़कों पे तो लेट सकते हैं, सड़कों पे तो सो सकते हैं। तो आने वाले समय में जनता के हित में हम सब लोग इस प्रकार काम करेंगे। धन्यवाद। हालांकि कांग्रेसी पार्षदों के विरोध का सत्ता पक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सम्मेलन में रखे सभी 15 प्रस्तावों को मंजूर कर दिया। नगर निगम अपने कारनामों के लिए कुख्यात है। अब देखिए ना, अफसर के फर्जी साइन कर वेतन निकालने की कोशिश एक कर्मचारी ने की है। अफसर ने निगमायुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा है। उद्यान विभाग में उद्यान पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ मुकेश अजमेरी ने वेतन निकालने के लिए उद्यान विभाग में पत्र दिया था। अजमेरी का 16 अगस्त से 19 सितंबर तक का वेतन निकालना था, जबकि इस समय अवधि में वह कार्यालय में उपस्थित ही नहीं थे, जिस कारण से उनका वेतन रोक दिया गया था। मुकेश अजमेरी ने वेतन निकालने के लिए उद्यान विभाग के पूर्व कार्यपालन यंत्री LD दोराया के नाम का उपयोग किया और उनकी फर्जी हस्ताक्षर कर एक पत्र तैयार कर लिया। ये पत्र उन्होंने विभाग में दे दिया। इस बात की जानकारी जब उद्यान विभाग के पूर्व प्रभारी LD दोराया को लगी तो उन्होंने निगमायुक्त को पत्र लिखकर उनके हस्ताक्षर फर्जी होने की जानकारी दी। यहाँ हम आपको बता दें कि दोराया जुलाई में ही उद्यान विभाग के कार्यपालन यंत्री पद से मुक्त हो चुके थे। इस संबंध में दोराया से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। जब भी उनका पक्ष आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। आज इस खबर की शुरुआत इस शेर से, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू ही काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। अगर आप देवास इंदौर लिंक रोड पर जाएं तो ये शेर नगर निगम के अफसरों पर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि PM के यात्रा के दौरान लगाए गए पौधों को बचाने के लिए निगम के अफसरों ने जो युक्ति लगाई है उससे पौधों के बचने की संभावना जरा भी नहीं है। PM नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान देवास इंदौर लिंक रोड यानी इंजीनियरिंग कॉलेज रोड को हरा भरा दिखाने के लिए नगर निगम ने लाखों रुपए के पौधे लगाए थे। डिवाइडर के बीच में लगाए गए इन पौधों में बटर गुलाब, गुलाब, विद्या प्लांट, बटर मोगरा, गेंदा, सेवती और कई तरह के प्लांट शामिल है। पहले तो इन पौधों को लगाते समय इनकी सुरक्षा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया और डिवाइडर के बीचों बीच बगैर सुरक्षा के ही पौधे लगा दिए गए। PM के जाने के बाद निगम अफसरों को पौधे के सुरक्षा का ख्याल आया तो नागझिरी चौराहे से बाड़ बंदी शुरू की गई।
32वीं बटालियन के मुख्य द्वार तक खंभों पर तार की फेंसिंग लगाई गई है। ये तार इस तरह लगाए गए हैं कि पशु आसानी से मुंह डालकर पौधों को अपना भोजन बना सकते हैं। इसी तरह मनुष्य भी आसानी से पौधे निकाल सकते हैं। कायदे से डिवाइडर के बीच जाली लगाई जानी चाहिए थी ताकि पौधे, मनुष्य और पशु तीनों सुरक्षित रह सके। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर, नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। महितपुर तहसील के भीमा खेड़ा के सरपंच ने संपत्ति विवाद में अपने ही भतीजे को एसिड पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। भतीजे को उपचार के लिए जिला अस्पताल उज्जैन में भर्ती करवाया गया है। भीमा खेड़ा का रहने वाला 23 साल का आकाश माली अपनी दादी 11 बाई के साथ रहता था। दादी ने अपनी संपत्ति का वारिस भी आकाश को बनाया है और इस पर उसके चाचा राजेश कांकनिया को आपत्ति थी। हाल ही में 11 बाई की मृत्यु हो गई तो राजेश माली ने भतीजे पर प्रॉपर्टी उसके नाम करने का दबाव बनाया। जब आकाश इस पर तैयार नहीं हुआ तो राजेश, उसकी पत्नी कौशल्या बाई, बहन मंजू बाई और फुफेरे भाई पिंटू ने आकाश को पकड़ लिया और जबरन उसे एसिड पिला दिया। बताया जा रहा है कि भीमा खेड़ा से 2 किलोमीटर दूर टांडा में स्थित जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। हालत बिगड़ने पर आकाश को उसके माता पिता और भाई बहन उपचार के लिए महितपुर अस्पताल ले गए। वहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। आकाश की बहन वर्षा ने बताया, वो दादी के पास रहता था और दादी की सेवा करता था। मेरे अंकल वगैरह कोई सेवा नहीं करते थे और मेरी दादी का कहना था कि मेरा बेटा मुझे संभालता है, पोता तो वही इस प्रॉपर्टी का मालिक है। मेरे जीते जी भी और मेरे मरने के बाद वो करवाना भी चाहती थी, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई और उसका जिम्मेदार भी मेरा अंकल राजेश काकनिया है, क्योंकि मेरी दादी को उसने मारपीट करी थी और टेंशन में वो मर गई। और उसके बाद में हमने 1.25 महीने का कार्यक्रम रखा था 20 तारीख को सुबह में, तो मेरे अंकल ने मेरे भाई को टॉर्चर किया और बोला कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या दे के गई मेरे को, दे नहीं तो तेरे को मार डालूँगा, जान से मार डालूँगा। तो हम लोगों को सब ने मिल के मारा, मेरी मम्मी पापा हम सबको मिल के मारा, पकड़ा और मेरे भाई को राजेश का कन्या, पत्नी कौशल्या बाई, उसके लड़के बुआ मंजू, उसका लड़का पिंटू, इन सब ने मिल के, 4-5 जनों ने मिल के उसको एसिड पिलाया। इस मामले में वर्षा माली ने महितपुर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। वर्षा माली ने बताया कि चाचा अपने सरपंच होने की धौंस देता है। वह कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर एवं असिस्टेंट इंजीनियरों ने काम का बहिष्कार कर विरोध जताया। वह 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन के 5वें चरण में जूनियर इंजीनियर सहायक यंत्रियों ने काम का बहिष्कार किया। वह संभागीय और सर्कल कार्यालय पर एकत्र हुए और विरोध जताया। इस दौरान पीएस एवं सीएम के नाम के ज्ञापन प्रेषित किए गए। क्षेत्रीय सचिव सत्यजीत कुमार ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आंदोलन के तहत अभी तक आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है ताकि बिजली व्यवस्था नहीं बिगड़े। 7 सूत्रीय मांगों में जूनियर इंजीनियर को सहायक इंजीनियर का चार्ज देने, सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री का चार्ज देने, सहायक यंत्री की नई भर्ती पर रोक लगाने, संविदा कनिष्ठ यंत्रियों को नियमित करने व धारा 304A पर रोक लगाने की मांग प्रमुख है। अभी जनरेशन कंपनी ने 109 कनिष्ठ यंत्रियों को सहायक यंत्री बनाने का आदेश जारी कर दिया है, किंतु तीनों वितरण कंपनियों ने अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं। इससे इंजीनियरों में खासी नाराजगी है। हमारा जो 7 सूत्रीय मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है, 7 सूत्रीय मांग हमारा जो है, पहला मांग पदोन्नति का है। जितने भी रिक्त पद हैं सहायक यंत्री के,
सभी कनिष्ठ यंत्री को सहायक यंत्री बनाया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, 2018 के बाद जो भी कनिष्ठ यंत्री बने हैं उनका ग्रेड पे कम कर दिया गया है। तो मेरा कहना है समान काम समान वेतन होना चाहिए, उनका ग्रेड पे सुधारा जाए। तीसरा मांग हमारा है 304A, आजकल फील्ड में किसी तरह का भी एक्सीडेंट हो रहा है हमारे अधिकारी कर्मचारी पे 304A के तहत प्रकरण दर्ज हो रहा है, इस पे रोक लगाई जाए। पाकीजा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, विमेंस, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीजा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता, पाकीजा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।